धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ के मतलब से आप समझेंगे वो चार तरह के कर्म जो मनुष्य को जीवन में करने चाहिए। अब इसके बाद आगे हमारी चार मुक्ति। ये चार मुक्ति होगी मोक्ष को पाने की स्थिति। तो क्या हो गई ये? सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य। अभी भी हमारा स्वास्थ्य अधूरा है। अब इसके बाद आगे हमारे चार अंतःकरण। ये अंतःकरण क्या है? जो बुद्धि हमारा निर्णय करती है। ये चार अंतःकरण है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हमें लगेगा शायद ये पूरा हो गया स्वास्तिक, मगर अभी भी इसमें भक्ति के जो चार स्तंभ हैं वो बाकी हैं। भक्ति के चार स्तंभ कौन से? हमारे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। अब ये बना हमारा पूरा स्वास्तिक। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने जो स्वास्तिक बनाया इसमें कोई भी लाइन को मैंने क्रॉस नहीं किया है, ऊपर से नीचे आए। और जब ये 16 इंद्रियां मिलती हैं और जाके ब्रह्म पर मिलती हैं, जो 16 इंद्रियां जो हमारी ब्रह्म स्थान पे जाके मिलती हैं, तो एक चिन्ह बनता है और वो चिन्ह है स्वास्तिक का। चार पुरुषार्थ बनाए, चार मुक्ति, चार अंतःकरण की जो हमने रेखाएं बनाई थी, वो आपने देखा होगा सारी रेखाएं आपके बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, यानी वो ब्रह्म स्थान पे जाके मिल रही हैं। कोई भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जहां हमारी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो उसका मल्टीपल अफेक्ट मिलेगा हमें, उसका अफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा।